हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है आईसीआर स्कॉलरशिप को लेके। आप बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, भैया स्कॉलरशिप कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, और जो आईआरआई का अभी जो न्यू जो नए नए आपके इंस्टीट्यूशन जैसे आसाम वाला हुआ, झारखंड वाला हुआ, अभी जो इसी ईयर जैसे आपका कटक का हुआ, लखनऊ वाला हुआ, इन सब में स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा, यूजी के लिए कितना मिलेगा, पीजी के लिए कितना मिलेगा, अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो हमको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्कॉलरशिप में अमाउंट भी बताऊंगा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, और इनके अलावा ये तो आपने पढ़ा, ये तो आपने देखा होगा कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है आप अदर स्टेट में जाते हो अपना स्टेट छोड़ के तभी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, बट जरूरी नहीं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी मैटर करती है, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, ये आपका गाइडलाइंस है, ऑफिशियल गाइडलाइंस है आईसीआर के द्वारा जो दी गई ऑफिशियल गाइडलाइंस है। इसमें देखो साफ साफ पहले लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट। ये पहले मैं बताता हूँ, यूजी वालों के लिए तो आपका 3000 रुपीज पर मंथ आपका मिलता है। अभी आपको पर मंथ मिलेगा, कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं कुछ रूल्स बताया था, फिर एक साथ आपको यूजी पीजी पीएचडी का अमाउंट बता दूंगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल होगा। पहले तो उसको जो एडमिशन लेगा होगा आउटसाइड द स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब अगर आप राजस्थान से हो तो आपको राजस्थान से छोड़ के आपको बिहार हुआ या कोई अदर स्टेट या आपका हुआ उत्तराखंड हुआ, आपको वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप राजस्थान से हो और राजस्थान के अंदर ही आपने एडमिशन लिया तो आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं एनटीएस। एनटीएस होता है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। दूसरा चीज़, पहला चीज़ तो आपको ये कि यहाँ पे एडमिशन लेना। दूसरा चीज़ देखो, आपको अपना क्या, आपका जो क्लास का परफॉर्मेंस है, आपका ओजीपीए सीजीपी जिसको बोलते हैं, वो आपको मेंटेन करके रखना है, और आपका गुड कंडक्ट मतलब आपका अच्छा करेक्टर होना चाहिए, मतलब अच्छा करेक्टर मतलब कॉलेज के द्वारा। अगर आप ऐसे नहीं कुछ भी कर रहे हो, कॉलेज वालों ने लिख दिया कि इसका बैड कंडक्ट है, बैड बिहेवियर है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, देखो थर्ड पॉइंट में है कि आपको किसी भी प्रकार का एलिगेशन है स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करना है। इससे कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर होता है कॉलेज में, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में इसमें देखो, स्कॉलरशिप के लिए इसमें क्या, आपको फुल टाइम कोई भी मतलब पार्ट टाइम जॉब नहीं करना होगा, बट आप कर सकते हो, बट इसमें जो लिखा हुआ है ठीक है ना। फिर इम्पोर्टेंट ये देखो कि डज नॉट एक्सेप्ट एनी अदर फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले एनटीएस, उसके साथ में आपको स्टेट वाला भी, नहीं भाई, अगर आपको स्टेट वाला मिल रहा है तो आपको स्कॉलरशिप एनटीएस नहीं मिलेगा। अगर आपको एनटीएस मिल रहा है तो फिर स्कॉलरशिप मतलब आपको स्टेट वाला नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही आप ले सकते हो ये चीज़ को, ठीक है ना। अब देखो आपको कैसे ये मिलेगा, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब आपको कितना पे करना है, इसमें चीज़ देखो, ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब ऑफिशियल पॉइंट है। देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्कॉलरशिप ऑन ए मंथली बेसिस एंड ऑफ द ईच मंथ और क्लियर प्रमोशन, मतलब कि स्कॉलरशिप आपको देखो मंथली भी दे सकता है, ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी वाइज, में मंथली भी आपको मिल सकता है, या आपको एंड ऑफ द सेमेस्टर आपका जो सेमेस्टर उसके एंड में मिल सकता है, या आपको आपका वन ईयर के बाद में, आपका वन ईयर में दो सेमेस्टर होते हैं तो वो कंप्लीट होने के बाद में भी मिल सकता है। अब बोलो भैया आईआरआई को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका ही मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ उसको कितना मिलता है और कब से मिलने लगा है, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर भाई आप कॉलेज में जाते हो और अपना बैक लगा लेते हो, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, अपना ओजीपीए सीजीपीए मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इन द केस अवार्डी फेल्स इन एनी पेपर, अगर किसी पेपर में फेल होता है इन एनी स्टेज द स्कॉलरशिप शैल बी स्टॉप, आपका स्कॉलरशिप स्टॉप कर दिया जाएगा। नो स्कॉलरशिप पेड फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक, अगर आपका जो स्ट्राइक वाला पीरियड है उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब कितना स्कॉलरशिप मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, ठीक है ना। चलो मैं आप तीनों का बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ आपका जो एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। अब देखो तीन तरह के कैंडिडेट हुए आपका, पहला हुआ आपका यूजी वाला, दूसरा हुआ आपका जो पीजी जिसको बोलते हैं आप जेआरएफ, तीसरा हुआ आपका पीएचडी जो हुआ आपका एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब देखो आपका जो यूजी के थ्रू आपने अभी जैसे सीयूईटी आईसीआर यूजी के साथ आपने एडमिशन लिया तो आपको यहाँ पे 3000 रुपीज पर मंथ मिलता है। पीजी में क्या होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं, मतलब जिनका अच्छा रैंक होता है, जैसे जिनको जेआरएफ के लिए जेआरएफ की सीट मिलती है जिन कैंडिडेट को, ठीक है ना, कुछ रैंकर्स को जो जिनका क्या होता है टॉप रैंकर्स होते हैं,
टॉप रैंकर्स या जिनको JRF मिलता है, तो उनको मिलता है आपका जो ये जो पैसा मिलता है 12,640 रुपया उनको मिलता है, समझाया, 12,640 रुपया उनको मिलता है। इसके अलावा देखो जो टॉप रैंक में नहीं आ पाते तो उनको भी मिलता है स्कॉलरशिप, उनको मिलता है 5,000 रुपीज पर मंथ आपको NTS मिलता है, ठीक है ना, आपको ये समझ आया। अब बोलोगे भैया PhD वालों के लिए बताओ, देखो PhD वालों के लिए क्या है, PhD वालों के जो स्टार्टिंग के 2 साल होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं, उनमें उनको मिलता है 30,000 रुपीज मिलता है। उसके बाद में बचे हुए 2 साल नेक्स्ट 2 ईयर में उनको मिलता है 35,000। अब ये कैसे मिलता है, ये मिलता है आपका पर मंथ, समझ रहे हो, पर मंथ है ये, इसका ध्यान रखना हो। तो आपको समझ आया होगा लिया था ICR के बारे में कि ICR में आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है पर मंथ, आपको UG के लिए कितना मिलता है, PG के लिए कितना मिलता है और PhD के लिए। अब बात करते हैं IARI, आपके IARI नया IARI और आपके न्यू दिल्ली आसाम इन सब में कितना पैसा मिलता है। और देखो ये आपका ऑफिशियल है, ये देखो लास्ट ईयर जब आपका UG वाला स्टूडेंट स्टार्ट हुआ तब देखो 21 जुलाई, तो इसमें साफ साफ लिखा न्यूली एडमिटेड BSc BTech MSc MTech इस बैच के लिए, ठीक है ना। तो ये अगर उसको मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो यूजी वाले कैंडिडेट यहाँ गए हैं तो अभी आपका ICR का एक्रेडिटेशन नहीं है। ICR के एक्रेडिटेशन के लिए एक बैच पास आउट होना जरूरी है, एक बैच जब पास आउट हो जाता है तब उसको एक्रेडिटेशन मिलता है उस कोर्स के लिए, ठीक है ना। तो अभी ICR आपको स्कॉलरशिप दे नहीं सकता, तो ये जो यूनिवर्सिटी खुद से अपना आपको स्कॉलरशिप देती है, तो इसमें देखो यहाँ पे सब साफ साफ लिखा हुआ है एट द IRI न्यू दिल्ली आसाम झारखंड, इसके जो भी आउटरीच इंस्टीट्यूट हैं, जो भी आपका बेंगलुरु में हुआ, बारामती में हुआ, रायपुर में हुआ, रांची में हुआ, इन सबको आपको क्या है, इसको एक फेलोशिप का जो फॉर्म मिलेगा वो जो आप एडमिशन ले लो तब आपको वहाँ दिया जाएगा, आपको मिलेगा। अब पैसा कितना मिलेगा भैया, मनी कितना मिलेगा वो इम्पोर्टेंट है इससे ज़्यादा, तो ठीक है ना। तो इसमें आपका जितना सेम आपको ICR में मिल रहा था सेम उतना ही मिलेगा आपको भी, वही UG वाले स्टूडेंट के लिए 3,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें जो मिल रहा है अभी मेरे जो स्टूडेंट से लास्ट ईयर उनसे बात हुआ था, उनको मंथली दिया जा रहा है ये, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरे से पूछा गया था IRI के बारे में, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया और इसका ऑफिशियल नोटिस आपको मैंने दिखाया, तो आप इसको देख सकते हो। तो चलो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एटलीस्ट लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी आगे अपडेट्स के लिए और भी जो भी वीडियो होगा इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटेक।